कर रहा हूँ, फिर आप। हाँ ओके सर, आप स्टार्ट कर लीजिए क्लास, आप लाइव बेस्ट हैं। क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, स्टूडेंट देख रहे हैं आपको। अच्छा, और जो मेरे इस पे ये स्क्रीन पे आ रहा है, एक आपकी फोटो आ रही है और एक आर लिखा हुआ आ रहा है, बात नहीं जी, बस आप कर लीजिए, आप स्टूडेंट आपको देख रहे हैं बस, ठीक है। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब बच्चे देख रहे हैं ना सब? जी आई एम ऑडिबल टू देम नाउ? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, उनकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी, मैं उनको बोल रहा हूं। सो नाउ दिस इज बीकॉम प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर कॉरपोरेट अकाउंटिंग पेपर। वी हैव डिफरेंट यूनिट्स, बहुत सारे, इसमें पांच यूनिट हैं। पांच यूनिट में हर यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वन। यूनिट वन में तीन चैप्टर हैं हमारे, यूनिट टू में एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट का, यूनिट वन में तीन चैप्टर जिसमें इशू ऑफ शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये तीन टॉपिक हैं। फिर फाइनल अकाउंट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, ये हमारे टॉपिक हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यूनिट वन। यूनिट वन में हमारा पहला चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो हमने क्लास 12th में काफ़ी डिटेल में कर भी रखा है और इनमें से क्वेश्चन भी कम ही पूछते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू से, जो कि एक नया चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इंडिया में कोई भी कंपनी इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम से प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। जितने भी शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, वो सारे के सारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही होंगे, ये कंपलसरी है। रिडम्पशन और इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 20 ईयर्स होता है। 20 ईयर्स में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने ही पड़ते हैं, ये कंपलसरी होता है। अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए और उनको रिडीम करने से पहले कंपनी को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। वो लीगल फॉर्मेलिटीज किस लिए बनाई जाती हैं, उसका एक कारण है। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी, तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने से कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाती है। जब कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में न्यूमरेटर होता है डेट, माने लॉन्ग टर्म लोन, और डिनोमिनेटर होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होती है। अब अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर दी जाएगी, तो डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का बढ़ जाता है, माने जिन इंस्टीट्यूशंस ने लोन दे रखा है, जिन इंस्टीट्यूशंस ने लोन दिया हुआ है, वो इंस्टीट्यूशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसको कवर अप करने के लिए, उनका रिस्क ना बढ़े, इसके लिए कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई किया। और स्पेसिफाई करके अब जैसे पहली कंडीशन गवर्नमेंट ने कहा कि
जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडम्पशन से पहले फुल्ली पेड अप होने जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होने जरूरी है। जो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होगा वो कंपनी रिडीम नहीं करेगी। अब यहां पे दो तरीके से होता है, एक तो कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप कर लिया लेकिन शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, कॉल इन एरियर है, तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी ने अभी एक कॉल नहीं करी, कंपनी का 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपीज कॉल कर रखे हैं, 2 रुपये मंगाने हैं, तो कंपनी पहले हर शेयर होल्डर से 2 रुपये कॉल करेगी, 2 रुपये रिसीव करेगी और रिसीव करने के बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेगी। ये कंपलसरी होता है। इसके पीछे लॉजिक है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। अब जितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे जाते हैं, मतलब जितने प्रेफरेंस शेयर हमारी कंपनी रिडीम करेगी, सपोज कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। अब 1 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी इस एक्ट में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कंपनी को 1 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब कंपनी जब 1 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर इशू कर देगी तो कंपनी के पहले शेयर कितने थे, जो भी शेयर होल्डर फंड थे, प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ रुपए के थे। अब 1 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर वापस करें, 1 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर देगी। अब 1 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर इशू करने से कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल पहले जितनी हो गई, तो डेट इक्विटी रेशियो सेम रह जाएगा, कोई रिस्क शेयर होल्डर का नहीं बढ़ेगा। तो इसमें लिखा, अब मैं कंडीशंस आपको बोल देता हूं, अगर आप, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, आप लिखते जाइए। पहली कंडीशन है, दीज प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। पहली कंडीशन, दीज प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। नंबर टू, सच शेयर्स, नंबर टू सेकेंड कंडीशन, सच शेयर्स कैन बी रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स कैन बी रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विच आर अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और आउट ऑफ और आउट ऑफ प्रोसीड्स, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस। मैं भी आपको बता दूंगा कौन से प्रॉफिट है जिनमें से डिविडेंड दिया जा सकता है, कौन से प्रॉफिट है जिनमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, वो मैं भी आपको बताता हूं। तीसरी कंडीशन है, एनी प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एनी प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट कंडीशन है,
when shares are redeemed, when preference shares are redeemed out of when preference shares are redeemed out of divisible profit, the nominal value of shares, the nominal value of shares redeemed must be transferred to capital redemption reserve out of distributable profits. And number five, the balance of CRR, capital redemption reserve, can be used only for issue of fully paid bonus shares. Balance of capital redemption reserve can be utilized only for issue of fully paid bonus shares. अब ये conditions हैं। अब इन conditions को अब आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि preference shares के जितने भी हमारी journal entries होंगी वो इन्हीं के ऊपर based है। एक चीज as a teacher of accounting मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को कई बार, हम लोग जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं, सर ये चीज तो इतने रुपए की, आप ऐसे कैसे करा रहे हो, सर आप ऐसे कैसे करा रहे हो। हमको खाली एक चीज समझनी है, हम पढ़ क्या रहे हैं इस वक्त। मैं आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बीओ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बीएस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। और अकाउंटिंग का आपको अकाउंटिंग करनी है, आपको एक ट्रांजेक्शन दी हुई है, उस ट्रांजेक्शन की आपको जर्नल बनाना है, उसके जर्नल के हिसाब से पोस्टिंग करनी है। हमारा मेन एम्फेसिस जर्नल एंट्री के ऊपर है, और एक बार जर्नल एंट्री बन जाएगी तो पोस्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो हमारा मेन एम्फेसिस जर्नल एंट्रीज के ऊपर है, तो मैं आपको अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री समझाऊंगा। और जर्नल एंट्री समझाने के लिए हमारे तीन बेसिक रूल्स जो हमने पढ़े हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वही होते हैं। तो अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो आप डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर गिवर है तो क्रेडिट कर दो, डेबिट है रिसीवर को डेबिट कर दो। एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट बढ़ रही है तो हम डेबिट कर देंगे, घट रही है तो क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। अगर आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई, आपको नेम ऑफ अकाउंट और नेचर ऑफ अकाउंट, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल, अगर इतना समझ में आ जाए तो जर्नल एंट्री बड़े आराम से बन जाती है। तो आप जर्नल एंट्री को रटिए मत, आप लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहीं भी अटक जाते हैं, अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर शिफ्ट कर जाइए। मॉडर्न सिस्टम क्या कहता है कि जितने भी अकाउंटिंग हेड्स हैं, उनको हम पांच कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ये पांच ही चीजें होती है, छठी चीज आज तक बनी ही नहीं है। अब एसेट इंक्रीज हो रही है, आप डेबिट कर देंगे, डिक्रीज हो रही है, आप क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट हो जाती है, आप सब जानते हैं। कम हो रही है, डेबिट करना पड़ता है। कैपिटल बढ़ेगी,
क्रेडिट होगी घटेगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज हो गई कैपिटल डेबिट कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो अगर हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नजर आए तो हम इस पे स्विच करके इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम वापस आते हैं अपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर के ऊपर। अब ये मैंने आपको बताया कि ये कंडीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों रखी, जब लॉ बनाया गया, जब एक्ट बनाया गया तो कंडीशन क्यों रखी। स्टार्टिंग में हमको खाली एक ही चीज रखनी है कि जिन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी को लोन दे रखा है, उन्होंने जब लोन दिया तो सबसे पहले उन्होंने डेट इक्विटी रेशियो चेक किया होगा। जब उन्होंने डेट इक्विटी रेशियो चेक किया तो डेट इक्विटी रेशियो में उन्होंने जितना लोन है वो न्यूमरेटर पे रखा और डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर फंड रखे। शेयर होल्डर फंड्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होती है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमने ले ली। अब लोन लेने, अब कंपनी ने क्या किया, लोन ले लिया। लोन लेने के बाद लोन के पैसे से अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापिस कर दे, लोन के पैसे से अगर कंपनी या कहीं और किसी और सोर्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस कर दे, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो माने डेट का प्रोपोर्शन इक्विटी के कंपैरिजन में, यहां पे इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व, सरप्लस सब होता है। तो जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस कर देगी तो डेट का प्रोपोर्शन इक्विटी के मुकाबले में बढ़ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स के मुकाबले में बढ़ जाएगा, माने उनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है उनका रिस्क ना बढ़े, इसलिए ये कंडीशंस रखी है। अब इन कंडीशन में कहा गवर्नमेंट ने क्या, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है वो आप देखिए। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करोगे, जितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे उतने रुपए के नए शेयर आप इशू कर दो। जब आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रही है, जितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है उतने इक्विटी शेयर इशू कर देगी या प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी, तो नंबर ऑफ शेयर, चलो नंबर ऑफ शेयर नहीं, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल रिमेन द सेम। तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल सेम हो गया, डेट इक्विटी रेशियो रिडेम्पशन से पहले और रिडेम्पशन के बाद सेम हो गया। दूसरा क्या कहा गवर्नमेंट ने, दूसरा गवर्नमेंट ने कहा क्या कि आप जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे तो आप प्रॉफिट को यूटिलाइज कर सकते हो। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी उस प्रॉफिट को क्या करेगी, कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। जब कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब आप समझिए, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, माने इनकम स्टेटमेंट आपने बनाया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो कंपनी के सरप्लस में रखा हुआ है। अब सरप्लस अकाउंट से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर करने से क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर है, दोबारा बोल रहा हूं मैं यहां पे, कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर ले लिया, 1920 फाइनेंशियल ईयर ले लिया, 1920 फाइनेंशियल ईयर का इनकम स्टेटमेंट बना लिया, उसमें सरप्लस आ गया, वो सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होने से शेयर होल्डर फंड्स बढ़ गए। अब कंपनी ने उन सरप्लस में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, आप सब जानते हैं प्रॉफिट को हमने कम कर दिया। जब प्रॉफिट को हम कम करेंगे तो शेयर होल्डर फंड्स माने इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो में वो कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि प्रॉफिट तो कम हो गए। अब
लॉ ने क्या कंडीशन रखी कि आप जो प्रॉफिट आपकी कंपनी ने डिविडेंड देने के लिए रखा हुआ है आप डिविडेंड मत दो, आप शेयर होल्डर को डिविडेंड मत दो, क्या करो डिविडेंड मत दो, तो डिविडेंड ना दे करके आप उस प्रॉफिट को, हमारी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, सरप्लस को डेबिट करेंगे और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट करेंगे, उसके बाद डिविडेंड पेएबल को पे करके बैंक को क्रेडिट कर देंगे, माने पैसे चले गए, प्रॉफिट कम हो गया। लॉ कहता था ये मत करिए, आप करिए डिविडेंड की जगह कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे सरप्लस को डेबिट कर देंगे, सरप्लस को कम कर देंगे, सरप्लस कम करके हम उसको एक नया अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट का नाम होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दोगे। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होने के बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का सिर्फ एक ही यूज है, वो यूज क्या है, वो यूज है उसमें से फुल्ली पेड बोनस शेयर ही इशू हो सकते हैं। अब कंपनी खाली फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करेगी तो कंपनी ने फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर दिए, अब इससे क्या हुआ कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई। अगर वो बोनस शेयर इशू नहीं भी करे तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली CRR इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द कंपनी, दोबारा बोल रहा हूं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस इज ऑलमोस्ट इज सेम एज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो बिल्कुल बराबर होती है, तो वो शेयर कैपिटल हो गई, तो कंपनी की शेयर कैपिटल वापस बढ़ गई, डिविडेंड देने की बजाय कंपनी ने CRR क्रिएट किया, CRR से बोनस दिए तो कंपनी की शेयर कैपिटल वहीं की वहीं आ गई, तो डेट इक्विटी रेशियो सेम रह गया। कहने का मतलब ये कि कंपनी एक्ट ने डिबेंचर होल्डर या उन लोगों को जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, उनके इंटरेस्ट को पूरी तरीके से इसमें प्रोटेक्ट किया है। तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, हमको याद करनी भी पड़ेंगी। तो कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम मैं शेयर भी कर दूंगा बाद में इसको लिख करके कि जो जर्नल एंट्रीज है वो बता दूंगा, ये कंडीशंस मैं आपको बता दूंगा। अब पहली कंडीशन है कि दी शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, ये कंडीशन क्यों रखी गवर्नमेंट ने। अब मान लीजिए कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू है 10 करोड़, दोबारा बोल रहा हूँ कितनी शेयर कैपिटल है 10 करोड़, 10 करोड़ शेयर कैपिटल, कंपनी ने 7 रुपीज कॉल कर रखे, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 7 रुपीज कॉल कर रखे, 7 रुपीज का मतलब 7 करोड़ रुपए कंपनी ने कॉल कर रखे, 3 करोड़ कंपनी की अभी कॉल ही नहीं करा, कंपनी बाद में कॉल कर ली। अब कोई कंपनी अगर ये कंडीशन ना हो तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहेगी हमने कितने के शेयर कितने रुपए वापस करने, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 करोड़ की है, 7 करोड़ की शेयर कैपिटल है, हम 7 करोड़ वापस करेंगे तो हम फ्रेश इशू 7 करोड़ का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आइए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सब बाद में नौकरी करेंगे, कहीं बिजनेस करेंगे, देखेंगे, बैंकों से बात भी करेंगे, जब भी डेट इक्विटी रेशियो बैंक चेक करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को लोन देने से पहले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को लोन देने से पहले डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेगा। अब उस डेट इक्विटी रेशियो में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उस डेट इक्विटी रेशियो में हमें डेट और इक्विटी जब हम लेंगे तो इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 करोड़ नहीं ली जाएगी, 10 करोड़ लेगा बैंक, क्योंकि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये पता है कि बाकी बचा हुआ अमाउंट कंपनी कभी भी मांग सकती है।
तो बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को लोन देते वक्त, कंपनी को लोन देते वक्त कितना रुपया लिखा हुआ है? 10 करोड़। अब अगर 7 करोड़ रुपए वापस करेगा तो 7 करोड़ आ गया, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा दीज शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, माने पहले आप 3 करोड़ रुपए मंगाइए, बाकी बचा हुआ अमाउंट मंगाइए, बाकी बचे हुए अमाउंट को मंगा करके आपके कितने पैसे हो गए टोटल वापस 10 करोड़ हो गए। 10 करोड़ रुपए आप वापस करेंगे तो 10 करोड़ रुपए का आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। 4 करोड़ फ्रेश इशू कर दिए, 6 करोड़ प्रॉफिट में से ले लिए, या 6 करोड़ फ्रेश इशू कर दिए, 4 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ फ्रेश इशू कर दिया, 7 करोड़ CRR क्रिएट कर दिया। इस तरीके से आपको ये करना होता है। तो दीज आर द कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैंने अभी बोला प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। मैंने बोला क्या? प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, वो आप लिख लीजिए। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, प्रॉफिट आप लिखिए, प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। पहला सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस इन इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलिए या इनकम स्टेटमेंट बोलिए, एक ही बात है। पहला सरप्लस, दूसरा नंबर दो जनरल रिजर्व और एनी अदर, जनरल रिजर्व और एनी अदर फ्री रेवेन्यू रिजर्व। यहां पे ये फ्री रेवेन्यू रिजर्व को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व भी होता है, उसको नहीं लेना, खाली रेवेन्यू रिजर्व लेना है हमको। अगला डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। नंबर चार रिजर्व फंड, नंबर चार रिजर्व फंड। नंबर पांच इंश्योरेंस फंड, नंबर छह वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, नंबर छह वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, नंबर सात वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, नंबर आठ कंटिंजेंसी रिजर्व, नंबर नौ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और नंबर दस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मैं काम करता हूं, मैं ये फंड, ये 10 फंड्स के नाम दोबारा बोल देता हूं, अगर जिन्होंने नहीं एक बार चेक कर लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखे वो उनको लिख लीजिए, क्योंकि बुक्स अभी जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या है भी तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लिख लीजिए इसको। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, आप फिर दोबारा से सुन लीजिए। पहला सरप्लस, दूसरा
जनरल रिजर्व, तीसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, फोर्थ रिजर्व फंड, नंबर फाइव इंश्योरेंस फंड, नंबर सिक्स वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व फंड, नंबर सेवन वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, नंबर एट कंटिंजेंसी रिजर्व, नंबर नाइन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नंबर टेन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब इनमें जो नंबर है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कहाँ से? इंश्योरेंस फंड्स वगैरह से, जहाँ से शुरू होते हैं ये। इनमें हम सारा फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस फंड के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी का फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मान लीजिए एक लाख रुपए का है। अब एक लाख रुपए के वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से एक लाख रुपए के वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 40,000 की लायबिलिटी है, तो आप 60,000 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी फंड में है, तो जिस फंड के अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी है वो लायबिलिटी आप छोड़ दोगे, उतना अमाउंट आप छोड़ करके बाकी का किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। तो बैलेंस अब हमारा एक नया अकाउंट बन गया जिसका नाम होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपने क्लास ट्वेल्थ में थर्ड बुक में पहले चैप्टर में, जहाँ पे आपने बैलेंस शीट पढ़ा था वहाँ पे आपने रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा था। रिजर्व एंड सरप्लस में पहला आइटम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ही होता है। उस वक्त आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही समझाया जा सकता था। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा जाता है तब क्रिएट किया जाता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये रिजर्व एंड सरप्लस में अपीयर हो जाएगा। तो ये 10 प्रॉफिट हो गए जो कि डिवाइड हो सकते हैं। अब दूसरी लिस्ट आप लिख लीजिए। अब मैं उन फंड्स के नाम बता रहा हूं जो कि इस्तेमाल नहीं हो सकते, जहां से आप सीआरआर क्रिएट नहीं कर सकते, जहां से कंपनी सीआरआर क्रिएट नहीं कर सकते। अब इसको आप हेडिंग क्या देंगे? ट्रांसफर टू सीआरआर इज नॉट अलाउड फ्रॉम द फॉलोइंग फंड। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट अलाउड फ्रॉम दीज प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट है वो आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नंबर टू कैपिटल रिजर्व। नंबर टू कैपिटल रिजर्व। नंबर थ्री ओल्ड बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओल्ड बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नंबर फोर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के कोई प्रॉफिट अगर है तो उनको हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। नंबर फाइव शेयर फोरफीटेड अकाउंट। नंबर सिक्स प्रॉफिट फ्रॉम
एप्रिसिएशन प्रॉफिट फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट फ्रॉम एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट नंबर सेवन, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. नंबर एट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. नंबर नाइन, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व. नंबर नाइन, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व. नंबर टेन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये तो नाइन और टेन है, नंबर नाइन और नंबर टेन, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करे जाते हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली क्रिएट करे जाते हैं प्रॉफिट में से. तो इनमें दोनों में, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में, अगर कोई लाइबिलिटी है, अगर कोई डिक्रीज इन वैल्यू है, तो उसको छोड़ करके जो बाकी का अमाउंट है, जो फ्री है, जिसको आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो आप यूज कर सकते हैं. तो ये हमारे दो तरीके के फंड हो गए. कौन कौन से? पहला, प्रॉफिट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉफिट जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये हमारा एक मेन काम है जो कि बहुत ही जरूरी था. उसके बाद आगे, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले, अब हम यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जनरल एंट्री भी सिखा देता हूं. जनरल एंट्री मैं लिखवा रहा हूं आपको, अब आप जनरल एंट्री लिखते जाइए एक एक करके, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें जनरल एंट्री ही बनानी है. तो जनरल एंट्री अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जनरल एंट्री आप लिखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज. पहला, हमारी पहली कंडीशन थी दीज प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप बिफोर रिडम्पशन. तो हमारी पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, फॉर मेकिंग पार्टली कॉल्ड अप शेयर, For making partly called up share as fully called up and paid up preference shares, partly called up shares को final call मंगा करके fully called up and paid up करना. अब हम जानते हैं कि जब final call मंगाते हैं तो क्या entry होती है, final call मंगाने की general entry होती है प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. फॉर मेकिंग फाइनल कॉल, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी में ही फॉर रिसीविंग फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट. पैसे आएंगे, बैंक विल रिसीव द मनी. जब बैंक रिसीव करेगा मनी तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. रिसीवर हो गया बैंक, तो रिसीवर हो गया तो बैंक को डेबिट करेंगे और फाइनल कॉल के पैसे हमको मिल रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे. यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आप भी सोचिए. शेयर फाइनल कॉल का नेचर क्या होगा, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, आप सोचिए. दोबारा इसी, जैसे हमने क्लास 12 में पढ़ा था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पढ़ा,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पढ़ा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर थर्ड कॉल, जो भी हमने पढ़ी है कॉल अकाउंट, इन कॉल अकाउंट का नेचर क्या होगा, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, मोस्टली हमने सबने रट रखा होगा, आप सोचिए क्या होगा। बीस सेकेंड सोचो, शेयर फाइनल कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, इनका नेचर क्या होगा, इनका नेचर होता है पर्सनल अकाउंट। जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मांगती है तो वो कंपनी के डेटर हो जाते हैं। पैसे मांगे ना, जब पैसे मांगे तो वो कौन हो गए, कंपनी के डेटर हो गए, तो कंपनी ने उनसे पैसे मांगे, अब डेटर हो गए माने एसेट हो गया, तो डेटर जब इंक्रीज होते हैं तो हमेशा डेबिट हो, तो फाइनल कॉल मंगाई, अब वो फाइनल कॉल उन्होंने दे दी, तो जिन लोगों ने, जिन शेयर होल्डर्स ने कॉल दी वो अब गिवर हो गए, जब गिवर हो गए तो उनको क्रेडिट कर दिया और बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये हमने काम किया पहला। अब दूसरा, अब एक चीज और है कि कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए, कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हार्ड कैश की भी जरूरत होगी, बैंक में उतना बैलेंस भी होना चाहिए। अगर कंपनी 100 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है तो कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए का बैलेंस होना भी जरूरी है, बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए क्योंकि इमीडिएटली वापस करना पड़ेगा। अब इतना बैलेंस अगर नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, अरेंज करेगी, तो कंपनी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट बेचेगी, तो हम एंट्री करते हैं फॉर सेल ऑफ एसेट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो बेच दिया, कोई फिक्स्ड एसेट बेची है, तो उसकी हम एंट्री करेंगे, तो वो एंट्री क्या करेंगे, हम मैं एक मिनट के लिए ये म्यूट कर रहा हूं। हम स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो अगर कंपनी एसेट बेचेगी तो उन एसेट को बेचने में कंपनी को कोई प्रॉफिट भी हो सकता है, कोई लॉस भी हो सकता है। हम यहाँ पे एसेट फिलहाल रिज्यूम कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट बेचेगी तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे, बैंक में रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर लॉस हो गया तो लॉस डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अगर प्रॉफिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारी मेन एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये हमारा इसमें रहता है। उसके बाद फॉर इशू ऑफ शेयर अब कंपनी शेयर को इशू करेगी, फ्रेश इशू ऑफ शेयर करेगी, और दूसरा सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करेगी, कितना चाहिए, जितना कंपनी को रिडम्पशन करना है। मैंने आपको बताया था अगर कंपनी को 10 करोड़ रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है, तो कंपनी के पास तीन ऑप्शन है। पहला, 10 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू कर दे, नंबर टू, और 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट में से ले ले और सीआरआर में ट्रांसफर कर दे, नंबर थ्री कंपनी एक कॉम्बिनेशन बना ले, मान लीजिए कंपनी के पास 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है तो कंपनी 4 करोड़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ले ले, सीआरआर में ट्रांसफर कर दे और 6 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू कर दे, तो कोई भी कॉम्बिनेशन कर ले। तो इसके लिए कंपनी को यह पता होना चाहिए कि कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है। तो हमारी अगली एंट्री होगी फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, पहला एट पार, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट पार, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट पार, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट प्रीमियम, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट प्रीमियम, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम. Now when preference shares are to be redeemed at premium, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को वापस कर रहे हैं तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. अब जो एग्जांपल मैं ले रहा था उसी को वापस लेते हैं. कंपनी को 10 करोड़ रुपीस, कंपनी को 10 करोड़ रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने, 10% प्रीमियम देना है, 10% 10 करोड़ रुपए का 10% 1 करोड़ रुपए हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 10 करोड़, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 11 करोड़, 11 करोड़ हो गया. अब यहां पर कंपनी को कितने रुपए वापस करने हैं, फेस वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम इज 10 करोड़. अब कंपनी को 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, कंपनी को कितने की जरूरत है, 10 करोड़ रुपए की जरूरत है. अब 10 करोड़ रुपए कंपनी क्या करेगी, फ्रेश इशू करेगी या सीआरआर करेगी या दोनों करेगी. तो अब हम एंट्री करते हैं अगली, फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर, फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर. यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर 10 करोड़ के लिए अकाउंट नहीं होगा. अगर कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू करे हैं तो वो डिवेंचर इसके लिए अकाउंट नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट होते, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सिर्फ कैपिटल लेनी है आपको और कुछ नहीं लेना आपको. तो फॉर इशू ऑफ शेयर, अब इशू ऑफ शेयर की एंट्री तो आपको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर इशू ऑफ शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अगर कोई है तो, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू करें तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा, ये आपको रहेगा, ये हमारा हो गया एक. अब कंपनी सीआरआर क्रिएट करेगी, फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, अगला लिखिए आप, फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, फॉर क्रिएटिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके लिए एंट्री क्या होगी, हमने दस प्रॉफिट का नाम लिखा था जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए, मैंने आपको नाम बताए थे, जैसे सरप्लस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह वगैरह. तो अब आप उसमें से सीआरआर क्रिएट करेंगे, तो जब सीआरआर क्रिएट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट, क्योंकि सरप्लस कम हो जाएगा, सरप्लस अकाउंट डेबिट एनी अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. अब यहां पे आप एक चीज लिख लीजिए, लिखिए आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम इज इक्वल टू proceeds from issue of fresh shares, proceed from issue of fresh shares
प्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, दोनों मिलाकर के प्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मिलाकर के जितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना उसके बराबर होगा। यहाँ पे प्रोसीड में सिर्फ नॉमिनल वैल्यू लेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रोसीड में सिर्फ नॉमिनल वैल्यू लेंगे। अगर फ्रेश इशू प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम का अमाउंट कंसिडर नहीं किया जाता, तो प्रीमियम नहीं कंसिडर किया जाता। उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस पेमेंट कर देंगे, एंट्री होगी फॉर सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, फॉर सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने ऊपर एंट्री करी थी अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अब उसको हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद फॉर राइटिंग ऑफ अगली एंट्री, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी एंट्री आप लिखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, हमने कहा था बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर इश्यू ऑफ, ओनली फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो हमारी एंट्री होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू अकाउंट, और इसी के साथ एंट्री लिखी हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू अकाउंट, और दूसरी बोनस इशू अकाउंट डेबिट, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बोनस इश्यू करने के लिए मान लीजिए हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1 करोड़ का बैलेंस है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1 करोड़ रुपए का बैलेंस है और कंपनी को 1 करोड़ 50 लाख के बोनस शेयर देने, तो 1 करोड़ रुपए तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से ले लेंगे हम और 50 लाख का अमाउंट कंपनी, और 50 लाख का अमाउंट कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस जहां भी बैलेंस होगा वहां से यूटिलाइज कर। तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट डेबिट सबसे पहले, 2 नंबर पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 3 नंबर पे कोई भी सरप्लस, और 2 बोनस इशू, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ दीज आर द जनरल एंट्री, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को बोरियत लग रही हो, पर अकाउंटिंग में तो जनरल एंट्री के अलावा कुछ होता ही नहीं। अकाउंटिंग करने का मतलब आप और मैं सिर्फ बुक कीपिंग कर रहे हैं, आप और मैं क्या कर रहे हैं, सिर्फ बुक कीपिंग कर रहे हैं। बुक कीपिंग का मतलब हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम बुक कीपिंग कर रहे हैं। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है हमको जर्नल एंट्री बनानी है, हमको कमेंट नहीं करना, हमसे कमेंट थोड़ी ना पूछ रहे हैं, हमसे ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अच्छा होता है कि बुरा होता है ये कोई नहीं पूछ रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंपनी को 1 रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने, अब आप बताइए क्या क्या जर्नल एंट्री आप करेंगे। तो जर्नल एंट्री ही आपको पास करनी है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि सर जर्नल एंट्री करके तो मैं बोर हो गया, तो अकाउंटिंग तो उसके बिना हो नहीं सकती, अकाउंटिंग में सिर्फ जर्नल एंट्री ही करनी है, तो जर्नल एंट्री ही आपको समझनी है। अब आप सोचिए, अब आप कंडीशंस को और जर्नल एंट्रीज को मैच करिए, देखिए आपको एक चीज कैसे समझ में आती है। पहली कंडीशन क्या है, शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप बिफोर रिडम्पशन, शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। तो आपने पहली एंट्री करी फुल्ली पेड अप करने के लिए, कॉल मंगाई, जल्दी बोल रहा हूँ, फॉर मेकिंग प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर आपने क्या किया, पैसे की जरूरत है, आपने
कोई एसेट बेच दिया, अब एसेट बेचते हैं तो आपको पता है कि वो तो क्या एंट्री होती है, एसेट बेचने का रिडम्पशन में कोई अलग से एंट्री नहीं होती, एसेट बेची पैसे आए बैंक को डेबिट कर दिया, एसेट गई एसेट को क्रेडिट कर, लॉस डेबिट इनकम क्रेडिट, ये हमने एंट्री पास कर दी, तो इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर दिया, कितने पैसे देने वो आपने निकाल लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, हमें पता लग गया कितने पैसे नॉमिनल वैल्यू चाहिए। अब उस नॉमिनल वैल्यू का हमारे पास दो सोर्सेस है, या तो सीआरआर क्रिएट करें या फ्रेश इशू करें, तो एक एंट्री फ्रेश इशू की कर ली, फिर सीआरआर की कर ली, पैसे दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। इसके बाद अगर हमने प्रीमियम पे रिडीम करे, प्रीमियम कंपनी के लिए नुकसान हो गया, उसको राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या कैपिटल प्रॉफिट से, और उसके बाद कंपनी ने बोनस इशू कर दिया। दीज आर दी जनरल एंट्री दैट वी हैव। अब मैं आपको एक अब क्वेश्चन ही करने, इसके बाद तो और कुछ होता नहीं है, तो क्वेश्चन आप करिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अब आपके लिए। अब कंपनी को प्रेफरेंस ये इशू रिडीम करने, तो क्वेश्चन हम लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन एक मिनट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ये तो एक काम करते हैं आप, मैं क्वेश्चन मैं आपको अब स्क्रीन पे आपके पास एक देते हैं, ये एक बोर्ड आपके सामने आ गया होगा, यहाँ पे ये एक बोर्ड में ले रहा हूँ, इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कंपनी के पास क्या इंफॉर्मेशन हो, पहले आप वो देखिए, कंपनी के पास 650, मेरे ख्याल आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा 650 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100, तो ये हो गया कंपनी के पास सरप्लस है 36,000, ठीक है। अब कंपनी ने रिडम्पशन करना है, अब रिडम्पशन के लिए आप लिखिए टू सेल ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 18,500 फॉर रुपीज 16,000। कंपनी ने 18,500 के इन्वेस्टमेंट 16,000 में सेल कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट 7.5% प्रीमियम। कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 65,000 रुपीस की। दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 7.5%। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया 16,500 का, और अगला लिखा द कंपनी डिसाइडेड टू इशू सफिशियंट इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 30। अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन है कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 65,000 रुपीज की, कंपनी के पास 36,000 का सरप्लस अवेलेबल है, कंपनी ने डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी रिडीम्ड एट 7.5% प्रीमियम, फंड्स के लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, 18,500 का इन्वेस्टमेंट था कंपनी के पास, जो कंपनी ने
16,000 का सेल कर दिया और लिखा टू इश्यू सफिशियंट कंडीशन, अगला प्रपोजल, अगला वो क्या है, टू इश्यू सफिशियंट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30। मैं यहाँ पे एक मिनट अभी 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा होगा या कंपनी का क्वेश्चन होगा, और ये जे आर मूंगा की किताब का क्वेश्चन नंबर 5 है। जे आर मूंगा की किताब का क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्लियर है? एक मिनट देख लीजिए, अब एक मिनट पूरा इसमें आ गया पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इसको रब करके मैं आपको अब जनरल एंट्रीज एक एक करके सिखा देता हूँ कैसे हमको पास करनी है। अब सो आई एम स्टार्टिंग विद नेक्स्ट पार्ट जनरल एंट्रीज का, एक मिनट। अब इसको मैं रब कर लेता हूँ, हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमको चेक करना है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रटना कहीं भी नहीं है, अब आपको एंट्रीज का सीक्वेंस खुद पता होना चाहिए, एंट्रीज का सीक्वेंस खुद पता होना चाहिए। पहला शेयर्स को फुली पेड अप करना है, दूसरा इन्वेस्टमेंट या एसेट को बेचना है, तीसरा अमाउंट ड्यू करना है, फोर्थ फ्रेश इशू या सीआरआर में से एक एंट्री जो दे रखा पहले वो करोगे, अगर फ्रेश इशू दे रखा है तो पहले फ्रेश इशू की फिर सीआरआर की, और सीआरआर दे रखा है तो पहले सीआरआर की बाद में फ्रेश इशू की, उसके बाद अमाउंट पे कर दोगे, अमाउंट पे करने के बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे, और अगर क्वेश्चन में है तो बोनस इशू की एंट्री करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमने नोट किया कि 650 प्रेफरेंस शेयर थे और फुल्ली पेड अप थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे पास काम हो गया, हमारा शेयर्स फुल्ली हो गए। अब हम पहली एंट्री करते हैं, पहली एंट्री कैसे होगी, फॉर सेल और इन्वेस्टमेंट, पहली एंट्री कैसे है, फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्यों करेंगे, तो जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, इन्वेस्टमेंट बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम कंसीडर नहीं करते, आपने देखा था प्रॉफिट नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर वो नुकसान हो गया तो हमारा सरप्लस कम हो जाएगा और फ्रेश इशू का अमाउंट बढ़ जाएगा। अभी आप समझ में आ जाएगा आपको, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा 18,500 का इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने 16,000 का सेल करा, बैंक अकाउंट डन, 16,000 सरप्लस अकाउंट डेबिट 2,500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,500, बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,500 नंबर टू, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट 65,000 का 7.5% हो गया 4,8,7,5,2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 69,875, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 4,8,7,5 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 69,875 नंबर 3। अब हमको हमारे कंपनी को 65,000 रुपीज का अरेंजमेंट करना है। अब कंपनी ने यहाँ पे फ्रेश इशू का अमाउंट तो दिया नहीं है, कंपनी ने लिखा है sufficient number of shares are issued, sufficient number of shares of rupees 50 are issued। अब आपको देखना है कि कितने share का amount दिया नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, CRR का इस्तेमाल करोगे, profit का इस्तेमाल करोगे। Company के पास surplus कितना था, company के पास surplus था 36,000, कितने का surplus हमने लिखा था 36,000 का,
इस 36,000 के सरप्लस में से कंपनी को 2,500 का लॉस हो गया। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचा, 2,500 का लॉस हो गया, कंपनी ने 2,500 का लॉस 36,000 में से कम कर दिया, कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल है 33,500। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी के पास? 33,500 का प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, कंपनी के पास कितने का प्रॉफिट अवेलेबल है? 33,500। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 33,000। क्लियर हो गया? कंपनी ने सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितने से क्रिएट किया? 33,500 से। अब इसके बाद हमें रिडेम्पशन के लिए अमाउंट चाहिए 65,000 का। 65,000 में से 33,500 सरप्लस से सीआरआर हो गया, तो फ्रेश इशू कितने का होगा? फ्रेश इशू इज इक्वल टू 65,000 minus 33,500 is equal to 31,000। आया समझ में आपको? मैंने आपको बताया था कि जितना अमाउंट, जितनी नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन के लिए चाहिए होती है, उसके दो सोर्सेज होते हैं, या तो कंपनी सीआरआर क्रिएट करे या फ्रेश इशू करे। सीआरआर 33,500 का हो गया, तो फ्रेश इशू हो गया 31,500 का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं है, तो आपने कहा सर नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 31,500 डिवाइडेड बाई 50, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 30 शेयर्स। कितने रुपए प्रीमियम थे? 13 रुपए। तो ये हो गए एट द रेट ऑफ 63, 50 रुपए का शेयर, 13 रुपए प्रीमियम थे, ये हो गया हमारा। तो अब एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 630 × 63, 39,690 दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एस पी आर 39,690 और 31,500 8190। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, जैसे सारा आ गया। पहला फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरी एंट्री फॉर अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट 4875, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों को प्लस कर दिया 69,875। अब फ्रेश खुद निकालिए, तो हमें खुद निकालना पड़ेगा कंपनी के बिहाफ पे। हमने एक इक्वेशन लिखी थी, प्रेफरेंस टू बी रिडीम इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम इज इक्वल टू सीआरआर प्लस फ्रेश इशू। नॉमिनल वैल्यू 65,000 इज इक्वल टू सीआरआर का अमाउंट 33,500। कहां से आया? 36,000 का प्रॉफिट था, जिसमें 2,500 का नुकसान हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान हो गया तो कंसीडर करते हैं। आप जानते हैं लॉसेस को कंसीडर करना पड़ता है, तो हमारे पास बच गया सरप्लस 33,500 का। वो सरप्लस हमने यूटिलाइज कर लिया सीआरआर के लिए। अब फ्रेश इशू करना पड़ेगा, तो मेरा 65,000 माइनस 33,500 31,500। अब नंबर ऑफ शेयर हमें दिया नहीं है और प्रीमियम दे रखा 13 रुपए पर शेयर के साथ, तो हमें नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो मेरा नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 31,500 / 50, 630 शेयर एट द रेट ऑफ 63, मैंने 50 रुपए का शेयर 13 रुपए प्रीमियम। टोटल अमाउंट आएगा 39,690 का बैंक अकाउंट है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉट में हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। कंडीशन कंप्लीट करने के बाद हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जो प्रीमियम आपने यहाँ पे दिया था
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये कंपनी के लिए नुकसान हो गया, लॉस हो गया, इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फर्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पांच स्पेसिफिक यूजेस होते हैं और उन्हें पहला है फुली पे बोनस इशू करना बायबैक के लिए, उन्हें एक और टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और उन्हें था टू राइट ऑफ टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। तो जो प्रीमियम हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पे, वो सब पहले हमको सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करना पड़ता है, फिर कैपिटल प्रॉफिट में से, फिर जनरल रिजर्व या सरप्लस में से, ये हम करके सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, दीस आर द जनरल की दैट वन इज सपोज टू। मैं आपको एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए क्योंकि अकाउंट्स में तो मेनली क्वेश्चन ही करने, और जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला यूनिट, पहले यूनिट में तीन पार्ट है, पहला इशू एंड प्रोसीजर ऑफ शेयर, दूसरा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा डिबेंचर्स। अब इनमें से इशू ऑफ शेयर आपको आता है, अगर आपका फीडबैक अगर आएगा कि मेरे को कराना है तो मैं करा दूंगा दोबारा से, एक बार रिवाइज करा। और हमारे पास जो नए टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, डिबेंचर थोड़ा टफ होता है, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक, ये दो आप कर लीजिए, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलता ही है, इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आपको करना होगा। आसान क्वेश्चन होता है, आप आराम से कर सकते हैं। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, 4,008% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, 4,008% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच, It was decided. To redeem both the classes of preference shares at 5% premium. The company issued for cash so many equity shares of rupees 10 each as were necessary to provide for redemption of both classes of preference shares. Give the necessary journal entries. First journal entry. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंपनी के पास 4,00,000 के एक शेयर हैं, 4,000 शेयर, 3,000 शेयर हैं, जिनमें 80 रुपए पेडअप है, कॉल्ड अप एंड पेडअप। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 का है, रेवेन्यू रिजर्व 5,00,000 रुपए का है, कंपनी के पास 80,000 लिख लीजिए, कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, बैंक मतलब कंपनी के पास बैंक बैलेंस जो है वो 6,60,000 रुपीज का है, कंपनी के पास बैंक बैलेंस 6,60,000 रुपीज का है। ये इसलिए लिख लेते हैं कि अगर ओवरड्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी ओवरड्राफ्ट अरेंज करेगी। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी सीक्वेंस अपने आप बनानी पड़ेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी सीक्वेंस बना के रखिए, पहली एंट्री फॉर मेकिंग शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेडअप, लिखना आप लिख लीजिए, शेयर्स को फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेडअप करिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट की सेल करिए, फिक्स्ड एसेट की सेल, तीसरा अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फोर्थ CRR या फ्रेश इशू जो भी दे रखा है, पांचवा दूसरी एंट्री CRR फ्रेश इशू, सिक्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट, सेवन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना, एट बोनस इशू की एंट्री करनी है, अगर देखिए। पहले क्वेश्चन हमने देखा 3,000 शेयर 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 80 रुपीज हमने मंगाए हैं, 100 में से 20 रुपए और मंगाएंगे, पहले इन शेयर्स को फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप करेंगे। जब फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप करेंगे तो क्या होगा, पहली एंट्री फॉर मेकिंग फाइनल कॉल ऑन 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, फॉर मेकिंग
फाइनल कॉल ऑन 3,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20। अब 3,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए बनते हैं, तो हमारी गारंटी क्या हुई? 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। फर्स्ट एंट्री फॉर मेकिंग फाइनल कॉल, सेकंड एंट्री फॉर रिसीविंग फाइनल कॉल मनी, फॉर रिसीविंग फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 60,000 रुपीज रिसीव कर लिया हमने। अब अगली एंट्री हमने कहा फॉर मेक इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं, फिक्स एसेट का भी सेल नहीं है, छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट एंट्री फॉर मेकिंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फॉर मेकिंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अब दोनों प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ क्वेश्चन है, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम बोथ दी क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दो क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, एक 8% प्रेफरेंस शेयर है, एक 9% प्रेफरेंस शेयर है, हम दोनों को रिडीम करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है फॉर अमाउंट ड्यू, फॉर अमाउंट ड्यू टू बोथ क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फॉर अमाउंट ड्यू टू बोथ क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 7,35,000। इस एंट्री को दोबारा रिपीट करते हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख। अभी 2,40,000 ऑलरेडी दिया हुआ था, 18 पेड के हिसाब से 60,000 रुपए हमने कॉल कर लिया, हमारे पास टोटल 3 लाख रुपए आ गया, तो 3 लाख रुपए डेबिट कर दिया। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रीमियम बीच में लिया हमने 35,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 7,35,000। अब हमको क्या करना है, फ्रेश इशू या सीआरआर, हमें फ्रेश इशू दिया नहीं है, अब सीआरआर कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमको दिया हुआ था 5 लाख रुपए का, कोई नुकसान हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया। फॉर ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, फॉर ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 5 लाख। अब यहां पर आप देखिए आपको कितना रिडक्शन करना है, फेस वैल्यू कितने गया 7 लाख, अब सीआरआर कितना हो गया 5 लाख, तो फ्रेश इशू कितने का बचा, हमारे को फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने है वो 7 लाख रुपए, सीआरआर कितना है 5 लाख, तो फ्रेश इशू कितना हो गया 2 लाख, और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, तो हमने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया, 10 रुपए का शेयर है, 20,000 शेयर आपको इशू करने, कितने शेयर इशू करने, 20,000 शेयर कंपनी को इशू करने पड़ेंगे, तो 20,000 शेयर इशू करेंगे, तो हमारी अगली एंट्री होगी फॉर इशू ऑफ शेयर्स, फॉर इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख के शेयर इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए, प्रीमियम है नहीं, और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। तो अभी तक हमने क्या किया, शेयर्स फुली कॉल्ड अप नहीं थे, उनको फुली कॉल्ड अप करा, फाइनल कॉल मंगाई, फाइनल कॉल मंगाकर फाइनल कॉल को रिसीव करा, फाइनल कॉल को रिसीव करके, फाइनल कॉल को रिसीव किया, फाइनल कॉल को रिसीव करके हमने अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर दिया, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 7,35,000 से किया, उसके बाद हमें लिखा हुआ था कि आप प्रॉफिट को इस्तेमाल करिए, फ्रेश इशू का अमाउंट नहीं दे रखा था,
तो हमने प्रॉफिट को यूटिलाइज कर दिया, सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया 5 लाख रुपए, 7 लाख टोटल रिडम्पशन है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रीमियम को हम कंसीडर नहीं करते। हमारी इक्वेशन है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम इज इक्वल टू सीआरआर प्लस फ्रेश इशू। तो नॉमिनल वैल्यू में 7 लाख, सीआरआर 5 लाख, फ्रेश इशू 2 लाख रुपए हमने निकाल लिया। 2 लाख रुपए की हमने फ्रेश इशू की एंट्री कर दी, वो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस हमारी लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद आप पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,35,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,35,000। फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है तो उसकी एंट्री क्या होगी। हमारे को सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल करना है, 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दे रखा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 35,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सारी एंट्रीज हमारी हो गई है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं उसमें अब सारी एंट्रीज हमको करनी है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार बार ये चैप्टर करने के लिए एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या कि हमें अपनी सीक्वेंस खुद बनानी है। पहला फाइनल कॉल मंगाने की, दूसरा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट करने की, तीसरा अमाउंट ड्यू करने की, चौथा सीआरआर या फ्रेश इशू, पांचवा फ्रेश इशू या सीआरआर, छठा पेमेंट, सातवां राइट ऑफ करना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को। अब आप एक और चीज लिखिए इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आप लिखिए जहां पे आपने लिखा था इक्विटी शेयर कैपिटल, जहां पे आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखे थे, दोनों तरीके के आप लिखे, द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंपनी डिसाइडेड, क्वेश्चन का पार्ट है, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1 equity shares, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1 equity share, 1 equity share फॉर एवरी टू शेयर बिफोर इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, दैट इज बोनस शेयर्स आर नॉट टू बी इशूड, बोनस शेयर्स आर नॉट टू बी इशूड टू द न्यू शेयर होल्डर, बोनस शेयर्स आर नॉट इशूड टू न्यू शेयर होल्डर्स। तो कंपनी ने क्या डिसाइड करा, पुराने शेयर होल्डर जो कि 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर कंपनी ने बोनस दे दिया। तो 1 लाख शेयर के ऊपर कंपनी कितना बोनस देगी, 2 के ऊपर 1, तो 1,50,000 शेयर, 50,000 शेयर, 1 शेयर कितने का है, 1 शेयर है 10 रुपए का, तो 50,000 शेयर 5 लाख रुपए के हो गए। हमारी जनरल एंट्री होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बोनस इशू अकाउंट 5 लाख, एंड नेक्स्ट विल बी बोनस इशू अकाउंट डेबिट, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस इज हाउ रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज टू बी डन। दिस आर द सिंपल प्रॉब्लम्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन पुट ऑन दिस क्वेरीज, कैन बी आस्क्ड बाय on this, you can just note it down. I'll answer if you have the queries. इतना करा दिया, आगे कराने से पहले आपके जो जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने। You can put your queries there. Any query that you have.
एनी क्वेरी अब कैसे आएगी? So now I think you, everybody has got it. Preference shares के ये जो redemption का chapter है, उसमें ये part होता है, जिस तरीके से आपने मैंने आपको बताया, general entries यही होती है, आपको ये general entries करनी है और इसके हिसाब से question करने, जितने question आप कर सकते हैं आप करिए, और main इसमें general entries का ही काम है, preference shares में, जितने आप general entries करेंगे, मैंने दो question आपको कराए हैं, एक book का assignment, J.R. Munger की किताब का question number 5 है और दूसरा question number 6 है, तो दो question मैंने दिए हैं आपके अभी, और अभी अपनी क्लास में भी इसी को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। प्लीज सो द वी आर एंडिंग द क्लास नाउ, प्लीज आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहे हैं।